नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या जायसवाल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के इटावा में दबंगों की दबंगई से मातम का माहौल छा गया, जहां कुछ मोहल्ले के दबंग लोगों ने वृद्ध महिला के साथ मारपीट की, जिस पर महिला की मौत हो गई। दबंगों द्वारा महिला के घर पर हमला बोला गया, जिससे वीडियो पीड़ित परिजनों ने बनाया, जिसने आरोपी दबंग हाथों में ईंटे पत्थर लिए मृतका महिला के परिवार के साथ गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं और उनके घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेवाती टोले का है। पीड़ित परिजन के मुताबिक उसके घर के बाहर कुछ युवक शराब के नशे में बोतलें तोड़ रहे थे, जिसे मना करने पर युवक आग बबूला हो गए और घर में घुसकर मारपीट करना शुरू कर दी। इस दौरान 60 वर्षीय महिला मुन्नी देवी के साथ कुछ युवकों ने शराब के नशे में मारपीट की, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं परिवार के लोगों ने एक युवक को मौके से पकड़ लिया, जबकि अन्य युवक मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आगे आरोपी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सके। वहीं पुलिस फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। थाना कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला मेवाती टोला में आज दोपहर एक विवाद हुआ, जिसमें एक महिला है जिनका नाम श्रीमती मुन्नी देवी है, जिनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो परिवारजन हैं उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई इसमें वे की जाएगी। और मौके पे सब पूरी तरीके से शांति व्यवस्था है और शव जो है अभी मोर्चरी में रखा हुआ है, उसका पोस्टमार्टम भी अभी करवाया जाएगा। नाम है तुम्हारा? शैलेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? मेवाती टोला। अच्छा, ये आपकी दादी के साथ क्या हो गई है घटना? ऐसा था, हमारी दादी लेटी हुई थी तो लड़कों पहले हम लोगों की लड़ाई हो चुकी थी, 1 घंटे 15 मिनट पहले बोतल फोड़ दी थी, जो ऐसे दरवाजे पे पापा जी बैठे हुए थे तो बोतल फोड़ी, तो हम लोगों ने समझाया तो समझ में नहीं आई, लोगों ने मारा पीट करी तो वहाँ पे सूचना पुलिस को दी, पुलिस आके हाल समझा गई, हमें अड़काया, फिर चली गई पुलिस, उसको पता नहीं ले गए। फिर आए तो हम लोगों ने गेट बंद कर दिया, तो दादी जो थी तो कह रही लड़ाई होगी, घबराहट सी हो रही है, हम लेट कुंडी खोल के लेट जा रहे हैं, हम नहीं लेट जाओ, हम नहाने चले गए। नहाने जाते पे वो लोंडे एकदम से आए, 7-8 लोंडे थे, तो आके उनने दादी, वो महिला थी, वो वैसे खड़ी होंगी पतली गैलरी है, खड़ी होंगी, रुक के जाने नहीं देंगे जे, तो उन लोगों ने जितने लड़कों ने उनके घूंसे मारा, लात मारती छाती में, तो वो ख़त्म हो गई। तो उसमें से एक दो अंदर बचे, सारे लड़के भाग गए थे। तो हमने, जो हमारे दरोगा जी हैं, हमने उनसे फ़ोन किया, परेशान था, हमने सर ऐसी ऐसी बात कही, आप वीडियो बना लो, उसको अंदर बंद कर लो, हमने कुंडी लगा ली। तो जितनी देर में पुलिस पहुंची, मेरी दादी तो ख़त्म हुई, रोना पेटना, हम सिर्फ इसको पकड़े रहे, हाल चाल ख़त्म हुई। तो फिर जे आए पुलिस वाले, उसको मारने से ख़त्म हो गई, इन लोगों ने छाती में घूंसे हाथ मारा, लात मार मसक दिया, गाल गला मसक दिया ऐसे करके, और लात घूंसों से मारा उनको बुरी तरीके से। क्या नाम था तुम्हारी दादी? मुन्नी देवी। कितनी उम्र है? 60-65 होगी। और हम लोगों ने फिर क्या करे, जब खत्म हो गई तो हम लोग इधर यहाँ पे आए जिला अस्पताल। हाँ, जिला अस्पताल मोती झील में आए, मृत तो घोषित तो पहले ही थी, लेकिन तसल्ली के लिए जो है हम लोग इधर आ गए थे। हम लोग उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते, वो लड़कों को, जितने लड़के हैं, एक दो तो हैं, वो हम उसको कड़ी से कड़ी जो कुछ हो सजा दिलवाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारा बहुत अच्छा प्रशासन है, वो लड़का धमकी दे रहा था, हम 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे कह रहा था, हमें ज़्यादा देर नहीं, तुम बंद करवा दोगे, फिर दो पाँच दस मिनट में बाहर आ जाएंगे, कुछ नहीं करवा पाओगे तुम लोग, फूफा की धमकी देता, फूफा इसमें उसमें आके रहने वाले लड़के है। विधुना गेहूं की खड़ी फसल में बिजली के तार से स्पार्किंग होने के कारण गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। शासन प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी मौके पर जांच करने को अभी तक नहीं पहुंचा है और ना ही किसानों को किसी प्रकार की कोई मदद मुहैया कराई गई। खबर ग्राम बरोलिया पोस्ट विधुना जनपद औरैया की है। गेहूं की खड़ी फसल को जलता देख किसान सदमे में है। किसानों का कहना है कि पहले भी बिजली विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कई घटनाएं हुई है, लेकिन इस बार गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई है। मत कर रही हो, पांच भी आ गए लोग, ऊपर कैसे राख हुई हो,
ममरौलिया। ये देखिए गलत जॉइंट है तार के यहाँ पर, ये देखिए तार हवा में खुल जाते हैं ये, और यहाँ से हुई है स्पार्किंग और ये खड़ी फसल, और यहाँ से देखिए ये शुरुआत हुई है फसल की। जनपद श्रावस्ती के जमुना बाजार के वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आम आदमी पार्टी ने मोहम्मद गुलफाम खान को प्रत्याशी घोषित किया है। आम आदमी पार्टी के श्रावस्ती जिलाध्यक्ष श्यामलाल ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, अपराधी बेलगाम है, बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान किसान व्यापारी निराशा में आत्महत्या तक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली सरकार को कमजोर कर रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब और गुजरात के स्थानीय और नगर निगम के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन के बाद बुलंद हौसले के साथ पार्टी यूपी पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी घोषणा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने पूर्व में ही कर दी है। श्रावस्ती में आज शाम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इसकी शुरुआत करते हुए वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मोहम्मद गुलफाम अहमद को आपकी ओर से प्रत्याशी घोषित किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्यामलाल, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सिराज अहमद, जिला सचिव असलम खान, विधानसभा अध्यक्ष निजामुद्दीन सहित अन्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी के समर्थक समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गुलफाम साहब, आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 10 से। अच्छा, आपका मकान कहाँ पड़ता है? ग्राम मनुरिया भोजा। आप किस पार्ट से चुनाव लड़ना चाहते हैं जिला पंचायत सदस्य? आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपने आज सदस्यता ली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आदेश हुआ अध्यक्ष साहब का तो मैंने सदस्यता ले ली, मुहिम उसी सैंपल से मैं लड़ूंगा। आप अपने पहला पर्चे दे दीजिए। सर, मैं श्यामलाल, जिला अध्यक्ष श्रावस्ती, जनपद आज 289 विधानसभा में वार्ड नंबर 10 में अपने राष्ट्रपति मतलब हमारे जो केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री द्वारा आज जो उनका निर्देश था कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे अपने विधानसभा के जो जिला पंचायत प्रत्याशी लड़ा रहे हैं उन्हीं के निर्देश अनुसार हम इनको आज मोहम्मद गुलफाम जी को यहाँ गुलफाम खां को आज प्रत्याशी के रूप में इनको आज वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे दोनों विधानसभा में 22 वार्ड हैं और 22 वार्ड के प्रत्याशी को लगाने का मेरा पूरा लक्ष्य, बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं साथ में उन्हीं के साथ में आज मैं पूरे लक्ष्य के साथ पूरे वार्डों में जा रहे हैं और पूरे प्रत्याशियों को अपने थ्रू उतारे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।